हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म, जिसके दो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। जिसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर के अंदर इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया था। देन उसके बाद में हम लोगों ने एक ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करने वाले एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल के बारे में डिस्कशन किया। और आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्स क्या रहेगा। मतलब जब कोई एबायोटिक फैक्टर जो अफेक्ट करेगा किसी ऑर्गेनिज्म को या पॉपुलेशन को, तो उन एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है ऑर्गेनिज्म का, तो वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें आपसे पूछा जाएगा राइट द रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आपको कुछ 5 तरह के रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंदर 4 रिस्पॉन्स तो एनसीईआरटी ने बहुत ही क्लियरली मेंशन किए हैं और एक रिस्पॉन्स के बारे में उन्होंने सिर्फ ग्राफ के अंदर मेंशन किया है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स रहेगा कि वो एज अ रेगुलेटर्स की तरह काम करेंगे, या फिर वो पार्शियल रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, या फिर वो कन्फर्मर्स हो सकते हैं, या फिर अगर टेम्परेरी कंडीशन है एबायोटिक की तो वो वहाँ से क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, या फिर सस्पेंशन। तो ये 5 हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स हैं एबायोटिक फैक्टर के। अब क्वेश्चन हमारे पास, एक तो ये बन गया आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी बनता है कि वाई, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, एबायोटिक फैक्टर जो है अफेक्ट्स करते हैं किसको, बायोटिक्स को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो क्या है कि बायोटिक्स जो होते हैं, पहले बात तो हमें पता होना चाहिए बायोटिक्स है क्या, जिसके अंदर हम अर्थ पे जितने भी लिविंग्स हैं उनको कंसिडर करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट हो या माइक्रोब्स हो, ठीक है। अब ये जितने भी बायोटिक्स हैं, ये अपने अंदर जो होने वाली मेटाबोलिक रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड को मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है, और अपना जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स है वो शो करते रहते हैं। लेकिन हमें पता है एबायोटिक फैक्टर कभी भी सेम नहीं रह सकते। एबायोटिक फैक्टर टाइम के अकॉर्डिंग क्या होंगे बच्चों, चेंज होंगे। अब जब एबायोटिक फैक्टर चेंज होंगे तो डेफिनेटली बायोटिक फैक्टर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे अफेक्ट पड़ेगा, और इस वजह से वो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी प्रोसेस है, जो हम होमियोस्टेसिस एक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, होमियोस्टेसिस एक टर्म आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमियोस्टेसिस क्या है? तो होमियोस्टेसिस एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म ट्राई करता है अपने इंटरनल टेम्परेचर या सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को, ठीक है। तो ये एक क्या है बच्चों, प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ट्राई टू कीप इंटरनल टेम्परेचर एंड सॉल्ट वाटर बैलेंस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस 2 टाइप की हो सकती है, एक तो आर्टिफिशियली जो हम लोग विद द हेल्प ऑफ एसी कर सकते हैं, और एक होगी नेचुरल। नेचुरल के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो रेगुलेटर हो सकता है, पार्शियल रेगुलेटर हो सकता है, या कन्फर्मेटर्स हो सकता है। आपके एनसीईआरटी ने एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि हम इधर देख सकते हैं, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर अगर हम इंटरनल टेम्परेचर हमारा मेंटेन रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, रेगुलेटर। यानी कि चाहे बाहर सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारा जो टेम्परेचर है वो फिक्स है, तो हम क्या बन जाएंगे, रेगुलेटर्स, ठीक है। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को क्या करते हैं, अगर बाहर गर्मी है तो अंदर भी गर्म, और बाहर सर्दी है तो अंदर भी ठंडे, इस तरीके के जो रिस्पॉन्स देते हैं वो होते हैं कन्फर्मर्स, ठीक है। पार्शियल रेगुलेटर्स का जो ग्राफ है, एनसीईआरटी ने जो कुछ इस तरीके से मेंशन कर रखा है, वो बेसिकली गलत है। ठीक है, क्योंकि बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ डिबेट नहीं कर सकते, तो हमें इसी को ही सही मानना पड़ेगा। बाकी ये ग्राफ जो है वो गलत दिया हुआ है। अब गलत क्या है, इसमें पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कुछ टाइम तक तो क्या करते हैं, रेगुलेटर्स बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनके साथ कंप्लीट कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्फर्मर्स में। तो कुछ ग्राफ ये इस तरीके से आता है कि कुछ टाइम तक तो वो क्या रहते हैं, रेगुलेटर, और उसके बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्फर्मेशन के अंदर। तो इस तरीके का ये ग्राफ है, लेकिन हमें तो इसी ग्राफ को ही सही मानना पड़ेगा क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी काम कर रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं रेगुलेशन या रेगुलेटर्स, ठीक है। फर्स्ट रिस्पॉन्स, रेगुलेटर्स का मतलब होता है मेंटेन करना, यानी कि वो रेगुलेटर्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं, मेंटेन होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस को, और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की हेल्प से ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब रेगुलेटर्स जो है वो होमियोस्टेसिस को मेंटेन कितने तरीके से करते हैं, तो आप बोलोगे दो तरीके से। एक तो वो कर सकते हैं थर्मोरेगुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, और एक वो ऑस्मोरेगुलेशन। ये दो हमारे पास तरीके हैं जिससे कि वो रेगुलेट कर सकते हैं। थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, थर्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे कांस्टेंट सॉल्ट एंड वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, इन द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो थर्मोरेगुलेशन है वो कैसे होता है। थर्मोरेगुलेशन करने के दो तरीके हैं। बेनिफिट क्या है थर्मोरेगुलेशन का, देखो जब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन अपने मैक्सिमम स्पीड से रन करेंगी, ठीक है। अब ये दो टाइप से हो सकता है, दो टाइप कौन कौन सा, एक तो ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल, और एक हो सकता है बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल के अंदर आप या तो स्वेटिंग करवा सकते हो, मतलब बाहर गर्मी है तो स्वेटिंग होगी जिससे अंदर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सेकंड थिंग है कि आप शिवरिंग भी करवा सकते हो, बाहर ठंड है तो अंदर शिवरिंग होगी, हीट जनरेट होगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि आप कहीं मूव कर जाओ इनटू शेड्स। अब ये बिहेवियर जो थर्मोरेगुलेशन है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कुछ सम कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ये एनसीईआरटी में गिवन किया हुआ है, यानी कि कुछ फ्यू लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट जो है वो भी थर्मोरेगुलेशन करते हैं। तो ये नीट का क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है क्योंकि हमें लगता है कि रेगुलेटर तो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स एंड बर्ड, यानी कि जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी ने ये वर्ड मेंशन किया हुआ है तो यहाँ पे फोकसफुली ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट बेसिकली थर्मोरेगुलेशन करते हैं, लेकिन वो बिहेवियर रेगुलेशन शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने अबाउट द रेगुलेटर पढ़ा। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं। सेकेंड जो हमारे पास रहता है वो है पार्शियल रेगुलेटर, जो एनसीईआरटी ने ग्राफ में मेंशन किया है, थ्योरी में नहीं। पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं बच्चों, वो ऑर्गेनिज्म जो रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी के फंक्शनैलिटी को एक लिमिटेड एक्सटेंड तक, उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कन्फर्मेटर, ठीक है। तो मतलब ये बॉडी फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलेट दी बॉडी फंक्शन टू ए लिमिटेड extend, ठीक है। After that they convert into conformers, ठीक है, ये होते हैं partial regulators। उसके बाद में हमारे पास थर्ड जो रहता है वो है conformers। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, अगर हम इनके बारे में डिस्कशन करें तो कन्फर्मर्स वो होते हैं कि जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि पहला पॉइंट कैन नॉट मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इन्वायरमेंट, ठीक है। इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा, यानी कि बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, यानी कि इनके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अर्थ पे 99% प्लांट्स या फिर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, कन्फर्मर्स हैं। इनफैक्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी जो हैं वो भी कैसे होते हैं, वो ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, कि वाटर का जो क्वालिटी है वो कैसी है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी क्या है, वो भी अपने आप को कन्फर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एयर, वाटर एंड ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर। अब क्वेश्चन आता है कि कन्फर्मर्स की एडवांटेज क्या है। कन्फर्मर्स की जो एडवांटेज है वो ये है कि अब इनको क्या है, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ना तो शिवरिंग करनी पड़ रही है, ना ही क्या बोलते हैं उसको, स्वेटिंग करनी पड़ रही है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सेव करते हैं अपनी एनर्जी और डजेंट एक्सपेंड लॉट ऑफ एनर्जी ट्राइंग टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डिसएडवांटेज ये है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में ही देखने को मिलेंगे। तो इनकी डिसएडवांटेज क्या है, प्रेजेंट या फाउंड इन रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ हैबिटेट या निक, ठीक है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि ये लेस अडप्टेड होते हैं, इनके पास अडप्टेशन की कैपेसिटी कम होती है। और इनके अंदर तीसरा है कि इनके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनकी जो स्पीड है वो भी हमें क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलती है। इसके साथ ही आपके एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे कि जो जितने भी कन्फर्मर्स हैं वो रेगुलेटर क्यों नहीं बन पाए। सीधी सी बात है, रेगुलेटर बनना एक अच्छी प्रोसेस है, लेकिन रीज़न है कि बहुत सारी एटीपी लगती है, बहुत सारी एनर्जी लगती है थर्मोरेगुलेशन के लिए, जो हर किसी कन्फर्मर के बस की बात नहीं होती, अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी बड़ी कॉस्ट को, इसलिए वो रेगुलेटर में कन्वर्ट नहीं हो पाए। एक एनसीईआरटी ने आंसर और भी, एक क्वेश्चन और भी दे रखा है कि वाई वेरी स्मॉल एनिमल आर नॉट फाउंड इन पोलर एरिया, जिसका आंसर एनसीईआरटी ने मेंशन किया, तो हम इसको एनसीईआरटी में ही देखेंगे। अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर हमें पता है कि एक हैबिटाट टू हैबिटाट क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो क्योंकि फिक्स नहीं हो सकते। अब जब हैबिटाट के अंदर एबायोटिक फैक्टर चेंज होंगे तो उस हैबिटाट की पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो हो सकता है स्ट्रेसफुल हो। ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सर्वाइव करता है, ठीक है। अगर ये कंडीशन लॉन्ग टाइम तक रहेगी तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा उस स्ट्रेसफुल कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। वो किस तरीके से करता है वही हमारे एनसीईआरटी ने यहाँ पे बताया है कि वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स दैट एक्सटेंशन मैनी स्पीसीज इवोल्व हुई हैं और इवोल्व होकर अपने इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। उसमें होने वाली बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को मैक्सिमम स्पीड में बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। उनकी जो ये एफिशिएंसी को हम फिटनेस ऑफ द स्पीसीज़ बोला गया है, डार्विन ने ये वर्ड यूज़ किया था कि वही स्पीसीज़ जो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर अपने आप को फिट रख पाएगी वही सर्वाइवल होगी। दिस कंसनट्रेसी फॉर द एग्जाम्पल कुड बी टर्न टू ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑस्मेटिक कंसनट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इसको मतलब हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है या फिर बॉडी का जो ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन है इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जा रहा है, होमियोस्टेसिस। यहाँ पे इंटरनल टेम्परेचर को या ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो टर्म आती है उसे हम क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस। इसके अंदर इंटरनल कंडीशंस जो है वो अगर हमारे मान के चलें तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक फिक्स टेम्परेचर रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दो तरीके से मतलब वैसे तो होमियोस्टेसिस दो तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, हमने बताया था आपको कि या तो वो थर्मोरेगुलेशन कर सकता है या ऑस्मोरेगुलेशन कर सकता है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर के लिए बेसिकली थर्मोरेगुलेशन करेगा। अब कोई एक सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज या हर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो 25 डिग्री, तो अब उसके लिए वो क्या करेगा, वो जहाँ है वहाँ पे एसी लगा लेगा और एसी लगा के अपने आप को एयर कंडीशनर से मेंटेन कर सकता है, हीटर लगा के वो विंटर में मेंटेन कर सकता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल कंडीशन होगी। फिजियोलॉजिकल अगर या नेचुरल कंडीशन की बात करें तो उनको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा। एक यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दिखा रखा है, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर और कन्फर्मेशन का एक ग्राफ हमारे सामने दिया हुआ है। इसके अलावा एनसीईआरटी रेगुलेटर्स के बारे में क्या क्या बोल रही है कि कुछ ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स, जो कि अपना होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं। फिजियोलॉजिकल भी कर सकते हैं, क्या बिहेवियरल हो सकता है? देखो ये एनसीईआरटी का बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है नीट का, बिल्कुल। रेगुलेशन फिजियोलॉजिकल तो सब जानते हैं, शिवरिंग करके या फिर आप बोल दोगे स्वेटिंग करके, लेकिन बिहेवियर भी हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट करना है ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन को, जितने भी मैमल्स और बर्ड्स है इसमें आएंगे। इसके अलावा देखो ये लिखी हुई लाइन, बहुत ही फ्यू लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट भी होते हैं जो कि रेगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन वो बिहेवियरल करेंगे। evolutionary biologists believe that success of the mammals largely due to the ability to maintain the body temperature। देखो मैमल्स का अर्थ पे लंबे टाइम तक और हर जगह पाया जाना मेन रीज़न ही क्या कहला रहा है कि वो अपने आप की बॉडी टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए चाहे उनको एंटार्क्टिका में छोड़ दो, चाहे सहारा डेजर्ट में छोड़ दो, वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइवल के लिए अपने आप को फिट मानते हैं। मोस्ट ऑफ मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वंस दैट ह्यूमन यूज। वी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। समर में हम लोग क्या करेंगे, स्वेटिंग कर लेंगे और जो कि स्वेटिंग से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। वहीं अगर हम लोग विंटर की बात करें वहाँ पे भी हम हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, कैसे, विंटर में शिवरिंग करके, ठीक है। प्लांट ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली वार्म ब्लडेड एनिमल्स को ही रखते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है, बर्ड्स और मैमल्स। उसके बाद में आपके एनसीईआरटी ने दिया है कन्फर्मेटर्स या कन्फर्मर्स कौन से होते हैं। देखो 99% एनिमल्स और प्लांट कन्फर्मेटर्स होते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन नहीं कर सकते हैं। इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। एक्वेटिक भी अपना ऑस्मेटिक कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग, वहाँ की वाटर, एयर या ऑस्मेटिक कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी फ्लूइड को चेंज कर लेते हैं। दीज एनिमल्स एंड प्लांट आर सिंपली कन्फर्मर्स होते हैं। देखो कंसिडरिंग द बेनिफिट क्या है इनका, ये बेसिकली मैंने पहले भी बताया था कि रेगुलेटर्स जो है वो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट रखने के लिए इनको इतनी एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती, तो ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो ह्यूमन जो है यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी। मैनी सिंपली स्वीट इट आउट एंड रीजन देमसेल्फ टू सबऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द हॉट समर मंथ्स। थर्मोरेगुलेशन जो है बहुत ही एनर्जेटिक एक्सपेंसिव फिनोमिना रहती है जो हर किसी ऑर्गेनिज्म के बस की बात नहीं होती है। यहाँ पे ये भी माना गया है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं लाइक शू एंड ह्यूमिंग बर्ड्स, हीट लॉस और हीट गेन करना सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। स्मॉल एनिमल जो होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, इसलिए उनके पास टेंड टू द लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म। यही मेन रीज़न है कि स्मॉल एनिमल जो है वो हमें कहाँ नहीं मिलेंगे, जो है पोलर रीजन के अंदर नहीं मिलते, क्योंकि उनका बॉडी सरफेस ज़्यादा है, ज़्यादा होने की वजह से वो हीट ज़्यादा रेगुलेट करेंगे, तो उनके पास इतनी हीट या एनर्जी रहेगी ही नहीं कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई द वेरी स्मॉल एनिमल आर रेयरली फाउंड इन द पोलर रीजन। ये बोर्ड का क्वेश्चन बनता है आपके। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो है वो कि एनवायरनमेंट के साथ ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ ही हैं जो कि इसको अफोर्ड करते हैं, उनके पास रेगुलेशन की एबिलिटी आ जाती है और इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेगुलेटर में। अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है, एबायोटिक कंडीशन जो है वो थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आई है, तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, दो तरीके हैं कि वो उसमें सर्वाइव कर ले। अब ये दो तरीके कौन कौन से हैं बच्चों, दो तरीके हैं, या तो वो माइग्रेट कर ले या फिर वो सस्पेंड कर ले। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब हम देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन हमें पता है, माइग्रेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का मूव कर जाना अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन। क्यों करता है, शेल्टर के लिए, खाने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। आपकी एनसीईआरटी ने ना दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं माइग्रेशन। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव, टेम्परेरी मूव करेगा स्ट्रेसफुल हैबिटेट से जो उसके लिए फेवरेबल है एरिया वहाँ पे, और फिर वापस से स्ट्रेसफुल कंडीशन ख़त्म होते वापस आ जाएगा। हम लोग भी जाते रहते हैं दिल्ली से शिमला जाना ड्यूरिंग द समर, एक माइग्रेशन एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स लाइक बर्ड्स भी ऐसा काम करते हैं। इनफेक्ट कुछ तो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। कैला देव नेशनल पार्क भरतपुर में साइबेरियन जो क्रेन आते हैं वो यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, नॉर्दर्न रीजन से आते हैं, ठीक है। इस तरीके से लोकस्ट होते हैं, ये भी एग्जांपल हो सकता है। लोकस्ट जो है वो फूड के लिए माइग्रेशन करते हैं, ठीक है। और जालेस फिश जो साइक्लोस्टोम एनिमल किंगडम के अंदर आपने पढ़ा था, वो रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेशन करती है, मैराइन से फ्रेश वाटर के अंदर जाती है। तो माइग्रेशन के पूरे ओवरऑल एनसीईआरटी में 2-3 एग्जाम्पल आपके मैंशन किए हुए हैं। इसके अलावा आता है सस्पेंशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजिकली और मेटाबॉलिक एक्टिविटी सस्पेंड हो जाएंगे, फिजिकली भी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी फॉर द सर्वाइविंग इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो इसमें कौन कौन, बैक्टीरिया है वो भी सस्पेंड हो सकता है, फंजाई, लोवर प्लांट और बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो फिजियोलॉजिकली हो, चाहे वो मेटाबॉलिकली हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्जांपल, पहले मैं एक आपको बता दूँ सस्पेंशन के अंदर क्या क्या, किस तरीके का सस्पेंशन हो सकता है। देखो, एस्टिवेशन हो सकता है, ठीक है, एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। हाइबरनेशन, ठीक है। इसके अलावा डायपोज, इसके अलावा स्पोरुलेशन, अपने चारों तरफ स्पोर बना लेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में। ये एनसीईआरटी के अंदर 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। अमीबा जो स्पोरुलेशन करता है, और या फिर डोरमेंसी, ये 5 तरह के सस्पेंशन आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं। 3 बच्चों को मैक्सिमम याद रहते हैं, लेकिन स्पोरुलेशन और डोरमेंसी भी सस्पेंशन का ही एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, लोअर प्लांट हो गए, ये अपने चारों तरफ एक थिक वोल्ड स्पोर बना लेते हैं, ठीक है। किससे बचने के लिए या कहाँ सर्वाइव करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो वहाँ से जर्मिनेट हो जाएंगे। वहीं कुछ प्लांट्स के सीड्स हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी, जो है कि डोरमेंसी कंडीशन में चली जाती है। और जैसे ही इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या मॉइस्चराइजेशन मिलेगा, तभी ये वापस से मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टेज में आ जाएगी और डोरमेंसी को ब्रेक कर देगी। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन या फिर डायपोज, ये 3 कंडीशन और एनसीईआरटी ने देखी। एस्टिवेशन बेसिकली अगर हम बात करें, पहले हाइबरनेशन दिया, तो हम हाइबरनेशन बेसिकली क्या होता है, विंटर स्लीप, यानी कि हाइबरनेशन के अंदर विंटर के अंदर एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती है, एग्जाम्पल में दे रखा होगा पोलर बियर। ठीक है, एस्टिवेशन होगा समर स्लीप, समर के अंदर जैसे स्नेल और फिशेस हैं ये इनकी एक्टिविटी सस्पेंड हो जाती है। और डायपोज के अंदर जो बहुत सारी जू प्लैंक्टॉन की स्पीसीज जो कि लैग और प्रॉन में मिलती है ये क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये चार तरह के जो मेन रिस्पॉन्स है एबायोटिक फैक्टर के हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी ने आगे अगर एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट जब रिस्पॉन्ड करता है तो ऑर्गेनिज्म पहली बात तो इनमें से कुछ एक प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अगर एबायोटिक फैक्टर का जो रिस्पॉन्स है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहे तो हो सकता है वो क्या कर सके, अडप्टेशन। अडप्टेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे करता है, और अडप्टेशन में कुछ इकोलॉजिकल रूल्स भी दिए हुए हैं, ये सब हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।